आज की ये वीडियो आप लोग लास्ट तक लास्ट में देखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने अजमान की सबसे प्यारी जगह, यहाँ पे ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, वो जगह दिखाई है। और यहाँ पे मैंने चीपेस्ट मॉल दिखाया आप लोगों को, उसके जितने भी शूज़ हैं जो 2000 दिरहम तक तकरीबन मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ 50 दिरहम में मिल जाते हैं, 40, 50, 60। तो स्टे ट्यून, मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में, इंजॉय करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है ये एक अजमान की टूरिस्ट गाइड है कि अजमान अगर आप लोग आते हैं तो आपको कौन कौन से एरियाज में घूमना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स बने हैं, जो ऑलरेडी अजमान में रह रहे हैं उनको भी इन पॉइंट्स का नहीं पता, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। बेसिकली आज डे टू है, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन अंधेरा हो गया था तो वीडियो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ऐसा करूँगा कुछ शॉर्ट्स मैं उस वीडियो में से इसमें डाल दूंगा, कुछ मैं न्यू लेता हूँ, कुछ न्यू वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अजमान कॉर्निश पे। अजमान का कॉर्निश का एरिया ही सबसे अच्छा देखने वाला और ज़बरदस्त एरिया है। तो ये राउंड अबाउट है, एक साइड पे इसका शारजा है, वो सामने शारजा है और ये अजमान है। तो आप लोग यहाँ पे बस के जरिए भी आ सकते हैं, यहाँ पे ये बस स्टॉप है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बसें खड़ी हैं। ये आप शारजा, अजमान और कहीं से भी, मतलब यहाँ पे आप दुबई वगैरह कहीं से भी आ सकते हैं। ये अजमान कॉर्निश स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले ये व्यू है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। इसके पीछे जो है बीच है, मैं आपको वो बीच भी जाकर दिखा देता हूँ। इसी रोड के ऊपर आगे क्लब भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर किसी ने क्लब वगैरह जाना हो तो वो भी इसी जगह पे है। KFC सब कुछ है यहाँ पे। तो ये समय मैं खड़ा हूँ अजमान बीच के ऊपर और यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं, कि ये पॉइंट है, आगे पॉइंट है और जो मेरे पीछे रेस्टोरेंट है यहाँ पे शीशा वगैरह लोग आके पीते हैं, यानी कि इन्जॉयमेंट करते हैं, व्यू इन्जॉय करते हैं यहाँ बैठ के। तो मैं आगे से भी आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, मोस्टली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। अभी मैं इस साइड पे आ गया हूँ, जिस साइड पे क्लब भी है वो रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ ही था, थोड़ा सा आगे, लेकिन मुझे दूसरी साइड पे आना पड़ा था। तो उस साइड पे आगे जो है प्रॉपर, वहाँ पे कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए कोई मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं अकेला यहाँ पे घूम रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको क्लब भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर आगे वहाँ पे ले के चलता हूँ उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का मोस्टली लोगों को नहीं पता और बहुत पुरसकून एरिया है वहाँ पे इंजॉय करने का। इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा रश होता है, मोस्टली शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन इस टाइम पर रश नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने क्वाइट एरिया पे जाना था, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। ये बिल्डिंग रिसेंटली तैयार हुई है और बहुत बड़ी और बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है। और उसके बाद ये एक मार्केट है और उसके बाद ये सामने हॉलीडे बीच क्लब आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्लब है, इसके अंदर डांसिंग क्लब और सारे क्लब हैं। और ये यहाँ पे बीच है, ये है जी हॉलीडे बीच क्लब। इसके अंदर इंडियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश सब क्लब है, अफ्रीकन हर टाइप का क्लब है इसके अंदर। तो यहाँ बीच के ऊपर हार्डीज़ भी है, KFC भी है, पिज़्ज़ा हट भी है, यानी कि यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये यहाँ से होटल वगैरह स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारा विज़िटर आके रुकते हैं, जिस तरह की आप ये देख सकते हैं, ये भी विज़िटर ही हैं जो तीन खड़े हैं और ये फैमिली आई हुई है। यहाँ पे फैमिलीज वगैरह काफ़ी आती हैं। इनके अंदर स्विमिंग पूल वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, मैं इसके स्विमिंग पूल की वीडियो यहाँ पे अभी ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट होटल है, इसका स्विमिंग पूल की वीडियो भी है मेरे पास, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, क्योंकि मैं गया था इसमें भी और उसमें भी। यहाँ पे क्या व्यू है ज़बरदस्त, यहाँ पे सनसेट है। और इसके बाद ये है जी होटल, एक 5-स्टार होटल है ये,
और उसके बाद ये एक तो यहाँ पे चीप मिलेंगे आपको शारजा से और दुबई से, यहाँ पे जो होटल हैं ये काफ़ी ज़्यादा चीप मिलेंगे और यहाँ पे ये सारे 4-star और 5-star होटल हैं इस लाइन के अंदर। तो एक तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा, दूसरा चीप होंगे, तीसरा जो है व्यू बहुत ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पे ये है जी अजमान बीच होटल, उसके बाद आगे भी और होटल हैं, ये भी एक होटल है अजमान होटल के नाम से। तो ये राउंड अबाउट है लास्ट और यहाँ से अब हम हो जाएंगे राइट। तो यहाँ पे आपकी जो हमें सबसे पहली चीज़ देखने को मिलेगी वो ये सब मेरी ना, इसका फैन देखो कितना बड़ा है पीछे लगा हुआ है, ये पानी के अंदर चलती है बेसिकली ये, तो ये इसके पीछे पंखा होता है, तेज़ी से घूमता है पानी का पुश करता है और ये आगे जाती है। तो ये आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखी होंगी और ये आई गेस आई एम नॉट श्योर कि शायद विजिटिंग के लिए इन्होंने लगाई हो कि विजिटर आ सकते हैं। हाँ लिखा हुआ है टिकट पर पर्सन 30 dirham, और लेकिन मैंने इसको एक दो दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा नहीं है ओपन ये लोगों को अंदर जाते हुए, तो अभी भी बंद आई गेस, वरना मैं आपको अंदर जाके इसके दिखाया था, या फिर ये पानी के अंदर जब जाती हो तब की ये टिकट लगी हो। तो लेकिन अब तो बेसिकली मेरे ख्याल से ख़राब लग रही है, बाहर पड़ी हुई है। यहाँ पे इन्होंने सेम इस तरह के ये रेस्टोरेंट वगैरह बनाए हैं जिस तरह पे मरीना के मरीना वॉक पे हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मरीना रेस्टोरेंट मेन प्लाज़ा, और यानी कि अभी ये है बेसिकली खाली क्योंकि ये न्यू बना है, तो अभी ये खाली ही है, इसमें अभी आएंगे ऐसा ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह शिफ्ट होना स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पे एक बोट भी है जो क्रूज़ करवाती है और ये है जी यहाँ पे व्यू। तो ये है जी अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, ग्रीनरी भी इन्होंने की है यहाँ पे, लेकिन अभी न्यू है तो अभी कुछ कुछ शॉप्स यहाँ पे बनी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि मोस्टली खाली ही पड़ा है। जिस तरह ये देखें ये बनी हुई है, यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और तो मैं वहाँ से घर चला गया था ठंडा होके, अच्छी तरह ठंडा होके वहाँ से आया हूँ, लेकिन तबीयत अभी भी जगह ना मेरी पूरी पूरी हो रही है डामाडोल, लेकिन मैंने सोचा अकेला जाने से अच्छा है हसनैन को भी साथ ले लूं। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता कुछ? अजमान बीच। अजमान बीच है लेकिन ये जो नया बना है अजमान मरीना बीच बना है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और आज तो फाइनली हम लोग इसके करीब करीब पहुँच चुके हैं, अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो मरीना बीच आएगा, राइट जाएंगे तो हम लोग जरफाला अजमान चाइना मॉल आएगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से लेफ्ट। उस साइड में बहुत ज़बरदस्त सी सोसाइटीज़ वगैरह बना रहे हैं लोग और ग्रीनरी है इस जगह पे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त है ये एरिया। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है, क्या कमाल व्यू है। चलते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर लेके चलता हूँ वहाँ पे। ये बच्चों के लिए यहाँ पे वाटर पार्क बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे नहाते हैं, बड़े सिर्फ देख ही सकते हैं हम साथ आके बच्चों के, और कुछ भी नहीं कर सकते। ये वाटर पार्क है और साथ ही यहाँ पे वो डायनासोर बना हुआ है, नकली है असल तो नहीं है खैर। और ये देखिए वाटर पार्क, तो ये एरिया है मरीना वन। ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए क्योंकि जगह काफ़ी प्यारी बनी है और ये न्यू बनी है इसलिए ज़्यादा रश नहीं होता वैसे यहाँ पे। मुझे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, एक सर्दी और दूसरा ग्रीनरी। तो सर्दी तो यहाँ पे है नहीं, बस हाल ठंडी हवा है इस टाइम पे, सही हवा लग रही है, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी है उसका बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। उस साइड पे सूरज आपको शायद ठीक से ना नज़र आ रही हो, लेकिन इस साइड पे व्यू आप इन्जॉय करें। तो ये है अल ज़ोहरा मरीना वन बीच, और एक तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, पुरसकून एरिया ये, और दूसरा यहाँ पे मोंकी शोंकी की कमी नहीं है, यहाँ पे मिल जाएंगे हम लोगों को। हेलो भाई क्या हाल है सर, केला शेला खाएंगे आप सर? नहीं, ये तो पड़ी। और ये व्यू यार क्या कमाल है यार, इसमें ग्रीनरी लेवल है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ग्रीनरी है नहीं, सारी रेत वगैरह होती है जिस तरह जैसे ये है। तो ये तकरीबन कितना टाइम पहले बना होगा ये? साल भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से रिसेंटली, अभी तो क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है काफी सारी जगह, अभी काफी सारी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। हाँ, याद खड़ी है, वो मेरा घर है उसके सामने याद खड़ी है और ये
छोटी बोट्स पे भी लोग घूम रहे हैं, और यहाँ पे ये भी हम लोग हायर करके घूम सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आगे चलें थोड़ा सा, ये जो ग्रीनरी है ना यहाँ पे, बस ये बहुत कमाल है। ग्रीनरी के लिए यहाँ पे यूएई में तरस जाते हैं कसम से। तो इन्होंने ये पूरा ही ग्रीन बनाया हुआ है। यहाँ पे पब है, पब 61 के नाम से, और भी काफ़ी सारी दुकानें भी हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन काम भी है। और ये कमाल है यार, ये ग्रीनरी जो है ना, बस चलें आगे। Let's go, लेकिन यहाँ से जाने का दिल कर नहीं रहा, जहाँ जितनी ग्रीनरी और जितना प्यारा व्यू है ना यहाँ पे, बस दिल कर रहा है यहीं पे। और टाइमिंग भी बहुत अच्छी है और हवा भी चल रही है, गर्मी नहीं है तो इसलिए जो है ना वो कोई ज़्यादा अच्छा लगता है। वेदर यहाँ का दुबई का ठंडा मीठा वेदर है यार, लेकिन थोड़ी हबस है। हबस तो है, लेकिन जो यानी कि इस टाइम पे थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ है, कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन जो दोपहर में हाल हुआ है ना मेरा, दोपहर में मौसम मुझे कैसा, चल मैं साथ जाने का, नहीं भाई ये देख तू खुद जा, मैंने कहा मैं जाऊंगा 5 बजे के बाद। और तो पता है वहां पे कोई भी नहीं था दोपहर को। अच्छा, पूरे बीच के ऊपर कोई नहीं था। होना भी नहीं था भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। तो ये है जी, यहाँ पे बच्चों के लिए बना हुआ है, बच्चे नहा रहे हैं इसमें, वाटर पार्क बना है बहुत जबरदस्त, और काफी सारे लोग आए भी हैं स्पेशली ये बच्चों के लिए। ये देखो, ये भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं नहाने के लिए, तो काफी जबरदस्त चीज उन्होंने बनाई है यहाँ पे। और ये सामने पार्किंग भी बहुत ज्यादा है, पार्किंग की भी टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो ये है जी व्यू यहाँ पे, कमाल है। चल के देखते हैं अगर वहाँ पे अंदर जा सके तो ठीक है, वरना वापस आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे बन रही है कोई सोसाइटी कह सकते हैं, या कोई बिल्डिंग कह सकते हैं रेजिडेंस के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यूएई के अंदर इस तरह की जगह, जिस तरह ग्रीनरी है ना, इस तरह की जगह मिलना बहुत मुश्किल होती है। अलैन वाली साइड पे मैंने सुना है कि है, वहाँ पे मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन जाऊँगा। ये इसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस भी बहुत कमाल है, लेवल है, काफ़ी लेवल की जगह बनाई है यार इन्होंने। और आगे से भी नो एंट्री बंद कर दिया उन्होंने, तो यहाँ से हम वापस जाएंगे अब बस। यहाँ पे खजूर खजूरें भी लगी हुई हैं, किधर मुझे तो नजर किधर है। हाँ वो तोता, तोता तोता तोते दो हैं, एक साइड से लगा हुआ, एक साइड से लगा हुआ, ये लगा हुआ तोता, ये बैठा ग्रीन कलर का, तोते वो खा रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा तोता यहाँ पे। अरबियों के तोते भी खजूरें खाते हैं। हाँ जबरदस्त है यार, इधर ही ले लेना घर हमने बस। मरीना से जैसे हम आगे आते हैं तो यहाँ पे ये हमें बीच मिलता है, जोहरा बीच के नाम से फेमस है वैसे ये बीच, और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जहाँ मैं सुबह उस साइड पे वीडियो बना रहा था, जहाँ मैंने कहा था 26 किलोमीटर मुझे आना पड़ेगा, तो इस साइड पे मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे मोस्टली फैमिलीज वगैरह आती हैं, लोग फिशिंग करते हैं, और उसके बावजूद यहाँ पे पकाते हैं खाते हैं। हमारा भी प्लान है वैसे, फिशिंग कर भी रहे हैं, देखें बिल्कुल है प्लान, ये देखें फिशिंग भी कर रहे हैं, ये फिशिंग कर रहे हैं, दिखाओ जरा ज़ूम कर व्यूअर्स को, ये अगर आप देख सकते हैं तो लोगों ने लगाए हैं स्टिक्स फिश पकड़ने वाली। मैं देखो बच्चे वहाँ पे, वो भी दिखा दूँ उनको, बच्चे वगैरह आए हुए हैं। बहुत कमाल है यहाँ पे, आके कैंपिंग करते हैं लोग रात को। तो मैं इस साइड पे था दोपहर में, वो सबमरीन सामने खड़ी है, वो होटल वगैरह है, और अब मैं इस साइड पे आ चुका हूँ, और ये लोग फिशिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। जी चाइना मॉल अजमान, जहाँ पे मैं आ गया हूँ, और ये देख सकते हैं आप लोग पार्किंग, और सारी फुल है पार्किंग, और इस साइड पे भी सारी पार्किंग है, और दूसरी साइड पे पार्किंग है सारी। और चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये इसके बाहर भी ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, शर्ट्स वगैरह सारी सस्ती, और अंदर का तो फिर अपना ही लेवल होगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के शॉप्स भी हैं यहाँ पे, और मेकअप वगैरह की, और लाइट्स वगैरह की, और इस तरह का है ये जी अजमान चाइना मॉल, इस तरह की शॉप्स भी हैं।
गेमिंग चेयर्स वगैरह भी हैं, ये स्पाइडरमैन की चेयर बनी हुई है या आर्मी वाली चेयर पर। हम रेडी और सस्ता होगा यहाँ पर सामान, यहाँ पर कोई है नहीं, वरना मैं आपको प्राइस पूछ के इसकी मैंशन करता यहाँ पर। तो ये शॉप जिस तरह ये लिखा हुआ है 30 dirham, तो ये अगर हम मार्केट वगैरह से किसी लेते हैं तो मिनिमम भी 1000 dirham तक इस तरह मिलती हैं जूतियाँ। ओरिजिनल ब्रांड की सेम टू सेम कॉपीज होती हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये नाइकी है जी, यहाँ पे कितने की है सर? 50 rupees नाइकी एयर 50 dirham में। वैसे ये मिनिमम भी 600-700 dirham की इस तरह होगी। यहाँ से कैमरे का स्टैंड, गोरिल्ला ट्राइपॉड वगैरह जो 200-300 dirham के मिलते हैं ना, यहाँ पे 20 dirham के मिल जाते हैं इन शॉप्स वगैरह से। सामने भी शॉप ऐसे बनी हुई है। ये यहाँ पे ग्लोब्स वगैरह भी मिलते हैं, और ये इन्होंने चाइनीज स्टाइल के ऊपर लगाए हुए हैं, ये जिससे पता चलता है कि वाकई हम चाइना मॉल के अंदर घूम रहे हैं। फिर नेक्स्ट शॉप में यहाँ पे नाइकी की काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है, नाइकी 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 यार बाहर तो थर्डे थर्डे दिखा रहा हूँ, वो देखिए बाइचिंग को। ये पूरी शॉप ही गुची की बनी हुई है उन्होंने, गुची 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 गैंग, गुची गैंग, गुची गुची लुई विटॉन, गुची लुई विटॉन सब 40-40, 50-50 के। फाइनली मैं यहाँ पे एक शॉप पे आ गया हूँ जहाँ पे सारी नाइकी एडिडास वगैरह पड़ी हुई हैं कॉपीज, एडिडास नाइकी सुप्रीम, जिसमें ओरिजिनल लोगो ओरिजिनल स्टाइल वाली पड़ी हुई हैं। ये भी इतने की हैं 50-60 की। ये देखिए नाइकी एयर, सुनान कैसा है फिर है ओरिजिनल, ये जो है ना 700-800-900 की जितने की भी होगी, यहाँ से 50-60 की कैसा ओरिजिनल। जो यहाँ पे एक लेनी है यहाँ पे 4-5 ले जाओ, उसमें गुचियाँ गुचियाँ सारी। ये देखो ऐसे पड़ी हैं, ये है जी शॉप। ये लो जी एग्जैक्ट सेम यीज़ी मिल गए जो पहले ऑर्डर करने पड़ते हैं, 2000-3000 dirham के होते हैं, यहाँ पे जाना 50 के। ऐसे उसके ऊपर उल्टा 350 लिखा होता है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ सेम एग्जैक्ट वैसे। ये है जी एडिडास यीज़ीज़, इसमें और भी कलर ऑप्शंस हैं। ये छोटा साइज है ये वाला 350 है, ये भी यीज़ी है एडिडास, और बहुत सारी हैं। वाइट में पूछा हुआ था, ख़त्म हो गए हैं। ये देखो यहाँ पे ये सारे नाइकी वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में पड़े हुए हैं, और ये बुक के भी हैं 50-60 ऐसे। ये देखो ये जॉर्डन्स के हैं, जॉर्डन्स ले सकते हो यहाँ से, नाइकी पुमा सब ले सकते हैं। बहुत कमाल है यार यहाँ पे शूज़ वगैरह, चेक करें। ये रेड कलर में भी हैं, ये भी एडिडास के शूज़ हैं बहुत। ये देखो ना बहुत नरम है, बहुत ज़बरदस्त हैं जॉगिंग वगैरह के लिए, बहुत कमाल। ये नाइकी, अच्छा क्वालिटी भी इनकी अच्छी है, ये नहीं है कि बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं है, सही है क्वालिटी इनकी। ये यहाँ पे जॉर्डन्स और नाइकी के फ्लिप फ्लॉप्स पड़े हैं सुप्रीम नाइकी। एक और शॉप में आओ, यहाँ पे भी नाइकी के पड़े हैं एयर, और ये भी इनकी भी यही प्राइस है, काफ़ी कम प्राइस है, मैं काफ़ी अच्छे शूज़ पड़े हुए हैं। तो ये है अजमान का चाइना मॉल, जितना देख सकते हैं पीछे एक और शॉप है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, सिर्फ जूतियाँ ही नहीं, हैंडबैग्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ओरिजिनल ब्रांड्स की कॉपी, फर्स्ट कॉपी जो होती है सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसे होते हैं। गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं आई गैस, लेकिन फिर भी सुन लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो यार, मुझे कर दो, बस कर दो। गैस सिटी सेंटर जो कि यहाँ पे आई गैस नॉट श्योर, लेकिन सबसे बड़ा मॉल यहाँ पे यही है सिटी सेंटर अजमान में, प्रॉपर शॉपिंग मॉल। वीडियो काफ़ी लंबी होगी इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा, तो बाहर से देख लो।